आकाशियर एंड वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश साहब। सो आप सब कैसे आई हो? आप लोग अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट लेटर राइटिंग जो है परसेस ऑफ स्पोर्ट्स आइटम जो कि इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, इसलिए मैं इसे जल्दी से अपलोड करना चाहता था। तो देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स आइटम को आपको परचेज करना है तो आपको जो है उस कंपनी के मैनेजर को या कंपनी में किसी भी मैनेजर को ही आपको लेटर लिखने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखना होगा टू ए के रॉय ABC स्पोर्ट्स कंपनी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, 15x1 कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता, इट डजेंट मैटर। आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो। इधर आप डेट दे देना जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन का। उसके बाद जो है सब्जेक्ट में लिखना है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो खेलने के जो चीजें होते हैं सामग्रियाँ उन्हें मनाने के लिए। तो आप इसमें जो है और देखिए, मेरे चैनल पे बहुत सारे लेटर बहुत इम्पोर्टेंट अपलोड है, जैसे लॉस ऑफ पासबुक का है, न्यू अकाउंट ओपनिंग का है, एडुकेशनल लोन हो गया, FIR दर्ज कराना है पुलिस स्टेशन में, होटल बुकिंग है, या कंप्लेनिंग फॉर बैड क्वालिटी ऑफ होटल्स है। उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज और भी है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है उतना अच्छा से। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, उसका लिंक जो आपको या आई बटन पर मिल जाएगा, और नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में जो चार लिंक शो होगा उसके ऊपर उसका मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप एक बार आई बटन को क्लिक कर लें, जो 4-5 वीडियो जाएंगे आप उसे जरूर देख लें, और इस वीडियो के लास्ट के 10 सेकंड जो चार लिंक शो करेंगे उसको भी आप जरूर देखें। उसमें से लेटर राइटिंग का प्लेलिस्ट भी होगा, रिपोर्ट राइटिंग का भी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, तो मेक श्योर आप सब देख लें। तो उसके बाद देखिए, रिस्पेक्टेड सर यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद कैसे लिखना है, तो उसके बाद देखिए इस तरह से लिखना है कि दिस इज इन्फॉर्म यू डेट आई एम द सेक्रेटरी ऑफ XYZ स्पोर्ट्स क्लब। मीन्स आप जो खुद है, आप उन्हें बता रहे हैं कि आप इस XYZ स्पोर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी है जो कोलकाता में स्थित है, सिचुएटेड है। योर रेफरेंस वॉज गिवेन टू अस बाई अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु हैज परचेस प्रीवियसली फ्रॉम यू। मीन्स यहाँ पर बताया गया कि ये जो रेफरल करना होता है ना, वही चीज़ है कि इस स्पोर्ट्स कंपनी के बारे में आपके किसी एक फ्रेंड ने बताया है आपको, जिसने पहले ही कुछ थोड़े दिन पहले ही इसी कंपनी से बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं। तो उसने आपके कंपनी के बारे में अच्छा बताया है, अच्छा फीडबैक दिया है, अच्छा क्वालिटी होता है, ये सब बताया है, तो इस वजह से आप ये बता रहे हो। तो उसके बाद आपको लिखना है, वी आर प्लानिंग टू परचेज सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर आवर क्लब फ्रॉम योर कंपनी, और हम लोग जो है कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है सामग्रियाँ खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, आपके कंपनी से कुछ खरीदना चाहते हैं, उसका प्लानिंग चल रही है। एंड यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू सेंड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम, और आपको ये सभी स्पोर्ट्स आइटम को है जो आप मेंशन एड्रेस करोगे उस एड्रेस पे जो है सेंड करने के लिए आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो वो क्या क्या आइटम्स है तो एक बार चलिए देख ही लेते हैं हम लोग। तो एक नंबर आपको फुटबॉल चाहिए होगा, जिसका है 10 पीस आपको चाहिए। और 2 नंबर क्रिकेट का बॉल जो है बैट बॉल खेलने के लिए 20 पीस बॉल चाहिए। उसके बाद चेस बोर्ड, जो चेस खेलना है तो उसका चेस बोर्ड 5 पीस चाहिए। उसका जो जर्सी है 50 पीस, 50 जर्सी चाहिए, क्योंकि जो है टीम में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसलिए जर्सी थोड़ा ज़्यादा लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि फुटबॉल 10 पीस लिख दिए, क्रिकेट बॉल 5 पीस लिख रहे हैं, जर्सी भी 5 पीस लिख रहे होता है। क्रिकेट और फुटबॉल के 5 लोगों से खेला जाता है, ये कॉमन सेंस तो है ना, तो इसीलिए जर्सी को हमेशा 50 की आप 100 भी लिख देना, बट जर्सी को कम मत लिखना, ऐसे नहीं तो खराब लगता है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में। तो देखो, मेक श्योर, देखो फुटबॉल एक ही होता है, एक फुटबॉल से पूरा मैच करा जाता है, इसे फुटबॉल कम है, बट क्रिकेट में बॉल हेरा जाता है, खो जाता है, इसलिए उसका थोड़ा नंबर ज़्यादा है, तो ये सब होता है। तो उसके बाद टेबल टेनिस जो है आपको 10 पीस चाहिए होगा, टेबल टेनिस का जो बॉल है। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट लिखिएगा कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड अस द डिटेल्ड कोटेशंस फॉर दिस मेंशन्ड प्रोडक्ट ऑन द एवब मेंशन्ड एड्रेस। एवब मेंशन्ड एड्रेस का मतलब होता है जो इनवेलप के ऊपर एड्रेस होता है उसके ऊपर का बात कर रहे हैं, बट आप तो इसे इनवेलप में नहीं डाल रहे, इसलिए ऊपर में आप कोई अपना एड्रेस नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर जो आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जितने भी यहाँ पर कोटेशन आपने दिए हैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया है, वो प्रोडक्ट जो आपको जो है ऊपर के मेंशन्ड एड्रेस जो है उस पर आपको ये सभी प्रोडक्ट चाहिए होगा, टाइम के अनुसार आपको डिलीवरी हो जाना चाहिए।
फिर लिखिएगा आई एक्सपेक्ट अ फेयरली अमाउंट एज अ डिस्काउंट फ्रॉम योर कंपनी। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिले यार, बहुत सारे चीज़ आप जब होलसेल में खरीदते हो तो कुछ डिस्काउंट अच्छा खासा मिलता है, तो इस चीज़ का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो डिस्काउंट मिले वो बहुत अच्छा मिले, मीन्स खराब ना मिले कि 10% ही क्यों मिला, थोड़ा अच्छा मीन्स जितना मिलना चाहिए उतना डिस्काउंट मिले, ऐसा कुछ है इसमें। उसके बाद लिखिएगा आई रिक्वेस्ट टू डिस्पेस, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यू, आई रिक्वेस्ट यू टू डिस्पैच अबव आइटम विद द एप्रोप्रिएट बिल, पेमेंट विल बी मेड एज कैश ऑन डिलीवरी। तो जैसा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स आइटम है उसको जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए डिस्पैच कर दिया जाए पैकिंग करके विद एप्रोप्रिएट बिल, और जो सही तरीके से कुछ बिल होना चाहिए, सही सही उसमें अमाउंट लिखे होने चाहिए, और जो पेमेंट है आप उसको कैश ऑन डिलीवरी करोगे, जो अगर पेमेंट जो डिलीवरी आ जाता है तो आप पेमेंट करते हो, जैसे आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ लेते हो उस तरह से। तो बस यहाँ तक कंप्लीट होता है स्पोर्ट्स आइटम का लेटर राइटिंग, आप देख ले कैसे मैंने लिखा है, एकदम इसी तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद लास्ट में आप लिखोगे थैंक यू, इधर लिख दोगे योर्स फेथफुली आकाश, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख देना। यहाँ पर जो होगा योर नेम, और बस यहीं तक कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर ये लेटर कंप्लीट हो गया है, और आप आई बटन को क्लिक कर कर वीडियो को देख लो, बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, और अभी ये लास्ट जो 10 सेकंड चलेगा वीडियो को, यहाँ पे चार लिंक शो होगा, आप उसे क्लिक करके मेक श्योर आप उसको भी देख लो, वो सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम आकाश, आई एम साइनिंग ऑफ टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।